वक्त हमारे साथ मिश्रिक से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, मयूर का भी हम रुख कर लेते हैं। मयूर, मिश्रिक की अगर बात की जाए तो कितना मत प्रतिशत निकलकर सामने आया है, और उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ का वोटर जो है वो कितना उत्साहित नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग पर्सन की अगर बात की जाए तो वो पिछले 3 बार से जब हम चुनाव में देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक तरीके से कम वोट पर्सन देखने को मिल रहा है, जो कि मायूस कर रही है पार्टियों को भी। मयूर, आवाज मिल पा रही है? ना बिल्कुल, देखिए मिश्रिक में 12.92% अभी तक जो शुरुआती 2 घंटे का वोट प्रतिशत है वो सामने आया है, और क्योंकि सुबह का समय जी आवाज डिले है क्या? चलिए मयूर, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। प्रवीण भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए, प्रवीण का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। प्रवीण, क्योंकि लगातार वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और इन तस्वीरों की अगर बात की जाए तो ये बेहतर तस्वीरें हैं कि भारी तादाद में लोग जो है अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इस वोट के चोट की पावर को भी समझ रहे हैं। एक बार जरा लोगों से सीधे बातचीत कीजिएगा, मुद्दे कौन कौन से हैं वहां के और किन मुद्दों को लेकर वो वोट कास्ट कर रहे हैं, क्या तरक्की चाहते हैं अपने इलाके में? जी बिल्कुल, कानपुर से कुछ एक खास खबर ये भी है कि 29 ईवीएम जो है वो खराब हो गई, जिसको सुधारने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है, क्योंकि ये कांग्रेस के प्रत्याशी जो है अकबरपुर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है सपा समाजवादी पार्टी से राजा राम पाल, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी भी दी है। और बिल्लौर एक विधानसभा पड़ती जहाँ पर लोगों ने गाँव में लोगों ने वोट मतदान का बहिष्कार किया, क्योंकि वहाँ काफी दिन सड़कें नहीं बन रही थी। ये 2 खबरें अभी हमारे पास आई है, फिलहाल तमाम लोग मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। फर्स्ट ये वोट डाल के आई है, ये क्या नाम है आपका? पता नहीं क्या नाम है आपका? परमजीत कौर। क्या जहन में मुद्दे रहे? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा जो वोट डाल पूछी है? ये सब मत पूछिए, पोलिंग बूथ पर आई ना तो कुछ सवाल रहे तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने किसको वोट दिया हमें नहीं मालूम है, लेकिन आपके जहन में कुछ मुद्दे रहे होंगे कि ये बड़ा मुद्दा है जिसको होना चाहिए। क्या रहे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ अपने कानपुर में साफ सफाई का है, बेरोजगारी का है, सड़कों का है, और कूड़े का कोई निस्तारण नहीं है, कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं बदला है। 8-9 सालों में हम लोगों ने उम्मीद की थी पर कुछ भी बदला नहीं, यही सबसे ज्यादा मुद्दे, महंगाई इतनी ज्यादा है। चलिए, और तमाम इधर भीड़ बहुत हमारे साथ यहाँ मौजूद है, लोग शायद अपनी बारी का इंतजार करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मार्के कटियार है। ये बताइए कि आज वोट डालने के लिए आए, मन में ऐसा कौन सा मुद्दा है जो लगता है कि काम होना चाहिए था? मुद्दा तो बहुत ही है, प्रवीण, लोगों के अपने अपने मुद्दे, जरा ये भी बताएगा यहाँ पर जो विकलांग लोग पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग लोग पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था की गई है ताकि इंतजार उन्हें ना करना पड़े अपनी बारी का, वोट जो है वो जाते ही कास्ट कर पाए, इसकी कोई विशेष व्यवस्था है क्या बूथ पर? जी बिल्कुल, विकलांगों के लिए चूंकि व्हील चेयर की व्यवस्था की गई, थोड़ी एक दिक्कत है यहाँ पर जरूर पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही है, चूंकि कानपुर के जिला प्रशासन डीएम ने कहा था कि जो लोग मोबाइल लेके घर से आते हैं उनके लिए मोबाइल रखने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में जो भीड़ दिखाई दे रही है ये भीड़ उन लोगों की है जो मोबाइल लेकर आए, लेकिन यहाँ कहीं मोबाइल रखने की जगह नहीं बनाई गई, यानी जिला प्रशासन ने जो बातें करी थी, जो दावे किए थे, वो यहाँ पर खड़े उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। और व्हील चेयर की बात करें तो तमाम लोग व्हील चेयर, देखिए दादा अभी व्हील चेयर की व्यवस्था इनको की गई थी, दादा व्हील चेयर यही मिलेगी घर से लेके आए? ये भी है भैया, अपनी लेके भी आए, घर से लेके आए, यहाँ नहीं मिली है कुछ? नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो व्हील चेयर देखिए यहाँ पर दी सुविधा दी जा रही है, फिलहाल मोबाइल सबसे बड़ी दिक्कत। ठीक है प्रवीण, यानी कि लोगों के लिए सुविधाएं हैं लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं, और ये एक अवेयरनेस का भी सवाल है कि अगर आप मत कास्ट करने जा रहे हैं, बहुत जरूरी नहीं है तो फिर आप मतदान केंद्रों पर अपने सेलफोन जो है वो लेकर ना पहुंचे, ताकि आपको ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि फोन कहाँ सबमिट करना है। तो कुछ देर के लिए सही, लेकिन अपने फोन को अपने घरों पर छोड़कर मतदान कर आप वापस उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि मतदान केंद्रों पर सेलफोन लेकर आप ना ही जाए। हमारे साथ मयूर भी इस वक्त लगातार बने, मयूर का भी हम रुख कर लेते हैं, मिश्रिक से मयूर हमारे साथ हैं। मयूर, वोट परसेंट यहां कितना पड़ा है और उत्साह लोगों में कितना ज्यादा नजर आ रहा है यहां पर? बिल्कुल देखिए मिश्रिक की बात करें तो 12.92% अभी तक वोट प्रतिशत यहाँ पे शुरुआती 2 घंटे का रहा है, और अभी शुरुआत में क्योंकि जब हमने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जरूरी काम निपटा रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ से निकल आएंगे और अपना वोट कास्ट करने का काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ आप देख सकते हैं वो यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, लोग लाइन लगाकर वोट डालने पहुंच रहे हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किन मुद्दों पर वो लोग वोट डालने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भाई साहब क्या नाम हो गया आपका?
ब्रज बिहारी द्विवेदी। ब्रज बिहारी जी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वोट डालने आज आप पहुंचे हुए यहाँ पे? अच्छे मुद्दे हैं, गुंडागर्दी कम हुई है, अच्छा शासन लगा है। मतलब आपको लगता है कि जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर होनी चाहिए, उस पर आप वोट डालने पहुंचे? उस पर डाल रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? सोनेलाल। क्या उम्र है आपकी? एक कम 70 हो गई। 70 हो गई, तो बहुत बार आपने वोट डाला होगा। इस बार आपका क्या मुद्दा है, किस बेस पर वोट डालने पहुंच रहे हैं? ये कुछ ना कुछ पीछे के समय से अब तो आपकी तो बेहतर हो रहा है। पीछे के जो राज्यकाल देखा, राजाओं के या प्रधानमंत्री के, उससे तो अभी बेहतर है। मिश्रिक की, मिश्रिक की जनता है आप, मिश्रिक के लेके क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि मिश्रिक में कैसे विकास है? जो है आपका मुद्दा, कुछ सोचते हैं यहाँ की बेहतरी के लिए? हाँ, जो हो रहा ठीक है, हो रहा है, ठीक हो रहा है। आप कहाँ से हैं सर? मिश्रिक। मिश्रिक से ही है, मिश्रिक से तो होंगे, जाहिर सी बात है। कौन सा गाँव है आपका? ये कचौना, नगर पंचायत कचौना से। तो कचौना में विकास वगैरह हुआ है? हाँ, हो रहा है। तो विकास के मुद्दे पे वोट डालना है या कोई और मुद्दा है? विकास मुद्दा। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वोट डालते हैं कि प्रत्याशी के नाम पर भी वोट डालते हैं? नहीं नहीं, प्रत्याशी के नाम पर भी वोट डालते हैं। हमारे जो प्रत्याशी बहुत ही बेहतरीन और अच्छे प्रत्याशी, काफी काम उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने बहुत सारा काम किया यहाँ पे, और रोडें सड़कें बड़ा ध्यान रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी प्रत्याशी जो है पब्लिक से रखते हैं। कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, जनता के बीच जाना जरूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा है कि जनता के बीच जो आएगा वोट उसको मिले। हाँ, और हमारे प्रत्याशी जो है, जो मौजूदा प्रत्याशी, वो भी रखते हैं कनेक्टिविटी, ये बात सही है। आपका कोई ऐसा मुद्दा है पर्सनल जो आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में बेहतर होना चाहिए काम? लगभग तो सभी काम जो मौजूदा सांसद हैं वो कराते रहते हैं। चलिए ठीक मयूर, ये बेहतर बात है कि मतदाता अपनी समझ के साथ जो है पहुंच रहा है। सिर्फ चेहरों पर की बात की जाए तो उस पर नहीं, कनेक्टिविटी कितनी है लोगों की या प्रत्याशी के लोगों के साथ, उसके बेसिस पर भी वोट जो है वो कास्ट किए जा रहे हैं। गौरव भी इटावा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, गौरव का भी हम रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तुरंत तमाम सहयोगियों के पास चलेंगे और लगातार अपडेट जो है चौथे चरण को लेकर आपको जीत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मिलता रहेगा।